दिमाग में आना या पन्ने ही पलटते रहोगे। हाँ मम्मी याद तो कर रहे हैं। कहाँ का याद कर लिया? जो जो यहाँ लिख रहा हूँ सब याद कर लियो। दिखाइयो कहाँ लिख रहा हूँ यहाँ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। बस तो इतना ही तो याद कराओ बस। पूरी कॉपी खाली पड़ी है, याद कहाँ कर रहे हो तुम यहाँ में? और ये पत्ता खाई को धर रखे हैं? मम्मी पत्ता ना आयो, ये विद्या रानी है, यहाँ आकर चौक में ला कर रख दे ना तब तो फिर विद्या बढ़े। विद्यार्थी पढ़ ना रहे, अब विद्या बढ़ जाएगी इनकी। यासू यासू विद्या बढ़ रही है पत्ता अंशु। खाली कॉपी से पढ़ रहे जब सू। ले यासू पढ़। बोर्ड के पेपर चल रहे हैं इनके, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ना है। मैडम की रोज शिकायतें आ रही हैं। लाखों रुपए खर्च कर दिए तुम पे। काय चीज भूख दिया लाखों रुपया? 250 रुपए फीस है स्कूल की, वो भी 2.5 साल से गई ना, तुम्हारे लाखों रुपए भूख गए। जुबान लड़ा रहा मौसू तू, जुबान लड़ाएगा? सही तो कह रहा मम्मी हूँ। मास्टर स्कूल में हमें पानी न पीन देते, हमारी सीट के ऊपर का पंखा भी बंद कर देते हैं, सारे पेपर धूप में बैठा के धुआए हैं, जब भी तुम पर फीस नहीं दी जाती तो तुम पानी तो घर से भी ले जा सको। और वैसे भी मैं फीस दू ना दू तो मैं कहा मतलब, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए कि ना? तो हम भी पढ़े ना पढ़े तुम्हें अपनी फीस देने से मतलब होना चाहिए ना। पहले तेरा मतलब ही निकाल दूं मैं, मतलब ही निकाल दूं। आज आज मैं यू पूरा लेसन याद हो जाना चाहिए, सुनूंगी मैं अभी। और तू तो भी याद होना चाहिए। कहा देख रहा, याद कर ले। लाली कहा कर रही है, याद हुआ कुछ? हाँ मम्मी मैंने तो याद कर लिया दोनों पेज। शाबाश बेटा, कर ले याद कर ले। कुछ खाने का मन है ना तो बता दियो, मो बना दूंगी मैं। मम्मी एक काम करो, समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। ये लट्ठे देख रहे हो, हलक में दे दूंगी दोनों उनके। समोसे कोल्ड ड्रिंक मंगा दो। और एक बात और, जब तक याद ना हो जावे ना, हगने मूतने का बहाना ना चलेगा, कोई सा हिल मत जियो यासू। मम्मी कतई भी ना हिलना। हाँ कतई भी ना हिलना। पर अगर पाद आवे तो ऐसा टेढ़े तो हो सके है ना? तो पहले टेढ़े ही करवा दूं, टेढ़े ही करवा दूं। तो मृदुल भैया, ओ नितिन भैया। अच्छा अब यू भी आगा, चुप रहियो बिल्कुल। हाँ बता। अरे बता क्यों दांत फाड़ रहा, बता कहाँ काम है? बहुत मृदुल भैया कर रहा। कछु नहीं आंटी। अरे जब कोई काम ना है तो ये बांसुरी से नाड़ कैसे बजा जा रही है इतनी देर से? मृदुल भैया। आंटी हम तो तुमसे मिलवे आए थे। मौसु मिलने आया? अच्छा बताओ, हमारी मम्मी ने कही कि आंटी से पूछो कि धनतेरस कब की है। बोलिए गए 3 दिन ना हुए तो दिवाली और धनतेरस याद आ रही है? पागल बना रहा मो, तैने मेरे दोनों बालक बिगाड़ दिए। हाँ हाँ हमें तो बिगाड़ दे, उनने पूरा देश बिगाड़ता हुआ है, तुम्हें तो बस हमें दिखाई दे। चला जा, मैंने तो आजकल नूबी सुनी है, तू गुटका भी खाने लग गया। अरे आंटी तुम्हें जा सुनाए को रहा है, हमने जा सुनी, हमने बात सुनी, देखो वहाँ। हाँ अब आंटी तो मार लो, जा तो बता दो भैया है कहाँ। वे दोनों पढ़ रहे हैं, समझ गया? पढ़ रहे पढ़ाओ पढ़ाओ आंटी, पढ़ाई बहुत जरूरी है और उनके लिए तो बहुत जरूरी है। चला जा। ए, भाई थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, मम्मी आके तुमसे सुनेगी, बातन में लगे हो जब सु। हाँ क्या हुआ बेटा? मम्मी ये मार रहे हो। हाँ तो हम बाहर ना जा पा रहे, हमारी हमें जीभ दिखा रही है। बेटा जब मैं थारी हूँ जीभ ही बाहर खींच लूंगी, जब बढ़िया लगेगा। चुपचाप एप्लीकेशन ही याद कर लो। हाँ हाँ मम्मी कर रही है। ओके टू द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट डियर मैम। ओ रेस्पेक्टफुली थोड़ा आराम से पढ़ ले यार, हम तो याद कर रहे हैं पापा। याद कर रहे हैं, याद बाद में करियो। एक काम करो सिलेंडर खत्म हो रहा है, भरवा के लाओ पहले सिलेंडर। अभी जा रहे हैं पापा। चुप वही बैठे रहो। हाँ जी ये बालक ना जाएंगे कहीं भी।
रो बाबू सिलेंडर खत्म हो रहा है, कौन भरवाएगा? तुम एक काम करो, इन बालकन के धोरे बैठो, मैं रिंकी हरसू पूछ ले रही हूँ, उनका सिलेंडर भरा धरा होएगा ना, वो ले आऊंगी और जब अपना भर जाएगा ना तब उन्हें उल्टा दे देंगे। और ये बालक पढ़ते रहने चाहिए। चल ठीक है, पूछ ले जाके, मैं यहीं बैठा हूँ। और बस फेरो, क्या चल रहा है आजकल पढ़ाई में? कुछ ना पापा, बस ये याद ना हो रहा। बेटा पेपर में पास होने को याद हो या ना हो, बस कॉपी भरनी आनी चाहिए। वो कैसे? जैसा मैं पास हुआ 38% नंबर आए मेरे, जबकि 33 पर पास होता मैं, 5% फालतू लेकर आया वहाँ टाइम पे भी। पर पापा जब कुछ याद ही ना होगा तो कॉपी कैसे भरेंगे? अरे यूं तो कला है। एक काम करो, तुम अपना कोई क्वेश्चन बताओ। वो पापा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पानीपत का युद्ध कब और क्यों हुआ था? तो ठीक है, अब सुन, पहले ला कॉपी और वहां में लिख आंसर, और आंसर में लिख पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो यू तो क्वेश्चन ही पापा। हाँ तो आंसर में भी आइए लिख लो, एक लाइन बड़ी ना, बड़ी एक लाइन बड़ी। हाँ बड़ी 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 बड़ी। ठीक है, अब आगे लिख, पानीपत का युद्ध पानीपत में हुआ था और पानीपत सोनीपत के आगे बढ़ता है, इसे लोग पानीपत के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसे पानीपत के नाम से पुकारा जाता है। हम सब मिलकर इसे पानीपत का युद्ध कहते हैं और यही पानीपत का युद्ध कहलाता है। कॉपी। मजा आ जाएगा पापा, पर एक चीज बताओ, याद तो करवा दो कि पानीपत का युद्ध हुआ क्यों। हाँ हाँ हाँ, रुको तो सही, युद्ध तो मैं अब बताया, युद्ध है कॉपी भरने को, अब करो याद। एक बार कहा हुआ, दिल्ली से कुछ बालक सोनीपत चलेगा परमठे खाने, और सोनीपत परमठे वाले भीड़ लग रही, तो वे थोड़े से आए पानीपत चले गए और वहां जाकर उन्होंने परमठे खा लिए। यू बात पता पड़ गई सोनीपत वाले ने, उनने जाकर उन लौंडान में बजा दिया। फिर जो पानीपत में परमठे के पीछे युद्ध हुआ ना, वही ये पानीपत का युद्ध कह रहे हैं। यार नितिन भाई कितना आसान जवाब है आपका। यार हम पापा 3 दिन से याद कर रहे हैं, हमें याद ही ना होता, तुम्हारी तरीके से अगर मास्टर पढ़ावे ना, तुम्हारी कसम हर बालक पास हो जावे पापा। उड़ा हमारी तो बात ही अलग है। और बता, और कुछ याद कर लो। ना ना पापा, और कुछ ना पूछना, बस एक बात सुन लो, अभी हमारा दोस्त आया मस्तानी हमें बुलाने को, मम्मी ने जानना दिया, आप चले जावे। ना ना कहीं ना जाना, तारी मम्मी मना करके गई है। चलो ठीक है, चले जाओ। हमसू तो गैली मांग ले जावे, अपनी चीज ना दी जाती, गोमी मांगता दिखे। अरे कहो गए बालक? कहीं ना तू नू बता, सिलेंडर मिल गया? ना मिला सिलेंडर, नू बताओ बालक कहो गए? कुछ ना बाहर गए टहलने, घनी देर से पढ़ रहे बेचारे। बेचारे हैं वे, तुम्हें यही मारे बिठा के गई कि वे भाग न जावे, तुम पे वे भी न रोके जाते। उरा कोई बात न, खेल अंदर बाल करने। जब सु पैदा हुए वे खेलने के अलावा करी कहा रहे हैं, कई के बालक पुलिस में लग गए, कई के डॉक्टर बन गए, इनसे 10वीं पास न हो रही तीसरी बेर में, और गए किसके धोरे हैं? अरे कहीं ना यहीं गए मस्तानी धोरे। मस्तानी मस्तू। हाँ क्या चल रहा है मस्तानी? मस्तानी अरे यहाँ कुआ। हाँ बताओ कहा है? जब हम तुम्हें बोला तब तो तुम आते नहीं हो, तब अंटी आ जाती यार और दो भाई कनपटे लग जात, अब मस्तानी मस्तानी चिल्लाए रहे। अरे तो ऐड क्यों रहा है? और हमारे धोरे मम्मी बैठी डंडा लेके, कैसा जाते बाहर? अब आया बहाना बना के तेरे धोरे। बाकी यार पेपर की भी टेंशन है बहुत। हाँ तो हम तुम्हारे पास पेपर के लिए आए थे, अब दियो तुम पेपर, हम जा रहे गाँव। गाँव जा रहा क्यों? पेपर ना देगा? पेपर का दिया, पढ़ो लिखो का जो है नहीं, तो पापा कह रहे गाँव जाओ और बकरियाँ चराओ। अरे यार यू जेल में क्यों बंद है, बाहर निकालना। पेपर ना देने अब तो? नहीं हम तो गांव जा रहे। गांव जा रहे, गांव जा रहे, तू तो चला जाएगा, हम कैसे देंगे पेपर? हमें क्या पता कैसे दियो पेपर, तुम्हारे पेपर तुम जानो, हम तो गांव जा रहे। तो गांव जाने से क्या हो जाएगा मस्तानी? हिंदी तो हमारे पापा ने हमें याद करवा दी, तो पता मैथ के पेपर कितनी टेंशन है हमें, मिलके कुछ जुगाड़ देखना यार। जुगाड़ तुमने बहुत सोचे पर वे सब बेकार है, अब तो बस एक ही जुगाड़ है। जुगाड़? कौन सा जुगाड़? वे अपने मुकेश सर। मुकेश सर? मुकेश सर। हाँ जी कौन है? कौन है भैया? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ।
हाँ बेटा बताओ। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी मुकेश सर है घर पे? नहीं सर तो नहीं है घर पर, क्यों क्या हुआ? सर नहीं है, सर तो नहीं है भाई। सर ना है? हाँ हाँ तो सर कैसे हुए हैं? सर नहीं तो हमें भेजो है। हाँ सर नहीं तो हमें भेजा मैडम। सर ने भेजा है? सर ने किस लिए भेजा है? मैं बताऊंगा, हम तो ट्यूशन पढ़ रहे प्रिंसिपल मैडम के यहाँ, वहीं मुकेश सर आ गए। अब मुकेश सर अपना कोई पेपर वेपर कुछ है उनको भूल गए, तो प्रिंसिपल मैडम हमसे कहने लगी कि तुम दोनों अभी खाली बैठे हो तो एक काम करो सर के घर चले जाओ, वहाँ मैडम होंगी उनसे पेपर वेपर जो भी है वो ले आइयो। अच्छा कौन सा पेपर लाने के लिए बोला था? कोई 10वीं का पेपर है मैथ का, वही लाने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे तुम लोग किस क्लास में हो? हम तो 8वीं क्लास में है जी, हम तो 8वीं में है और यूं तो अभी 7वीं में ही है मैडम। अच्छा रुको मैं लाती हूं। मैडम अपने आप को बहुत तेज समझ रही है। मैडम नू ना पता पूरे गांव के सब में ज्यादा समझदार बालक उनके सामने खड़े। अच्छा वो तैने 7वीं क्लास में बता दियो, मैं तो यार 4थी में बताने वाला है। अब ज्यादा हंसी मजाक मत करो, मैडम जो ना फिर शक करेगी हम पे। आज क्यों रहो चुप रहे? मैडम आ रही है। ये लो बेटा, और याद रहे किसी भी 10th क्लास के बच्चे के पास ना जाए। ना ना मैडम दिक्कत मतलब हम तो वैसे भी 8वीं में और 10वीं तो हमें वैसे भी ना करनी, दिक्कत मतलब तुम। ठीक है मैडम जी। राम राम जी। चल दिया चल दिया नितिन भाई। फटाफट दिखा जल्दी छोड़, मैं खोलूंगा भाई। हाँ है यार, यहाँ पे तुम दिख रहे हो? ओ भाई ओ यू है क्लास 10th। मिलगा 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 मैथ का पेपर है भाई, बहुत बढ़िया पेपर मिलगा यार ये तो हमें। सारे क्वेश्चन भेजे हैं हमें तो भाई, अब हम तो हमारा पूरा गांव पास होएगा भाई। चलो 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 चले, अभी बात किसे पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ठीक है चलो। तुमने बिना मुझसे पूछे उन बच्चों को पेपर दिए कैसे? उन्होंने तो बोला था कि मुकेश सर ने भेजा है। मैं क्यों भेजूंगा उन्हें? पर उन्होंने तो यही बोला था। अरे पढ़ी लिखी हो समझदार हो फिर भी मूर्खों वाले काम कर दिए हैं? सारे दिन फोन चलाती रहती हो, एक फोन नहीं कर सकती मुझे? तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो बच्चे तो 8th क्लास के ही थे और पेपर 10th क्लास का था। अबे बेवकूफ बना गए तुझे, 8th क्लास के नहीं वो 10th क्लास के बच्चे हैं और हमारी स्कूल के सबसे नालायक बच्चे हैं वो। तो अब क्या करें? तुम क्या करोगी? तुमने जो करना था वो कर दिया, अब तो मुझे ही करना है जो करना है। भागल बना रखा उन्होंने मुझे। हेलो बकरा, मेरी बात ध्यान से सुन, कल जो मैथ को पेपर है ना वो हमारे पास है, अपने स्कूल के सब लड़कन से कह दो कि अगर पेपर चाहिए तो 200-200 रुपया लेके नितिन भैया खेतन पे आ जाओ। तेरे पे कहां से आए पेपर? अरे तू धार ले हम पे कहीं से भी आया हो, तो अगर चाहिए तो 200 रुपया लेके फटाफट हमारे खेतन पे आ जा। ठीक है चला रहे हैं। नितिन भाई अब तो पेपर में पास भी होंगे, जेवन में पैसा भी होएगा। तू तो गाँव जा रहा ना, अब चला जा। गाँव जाएगा यहाँ से। लेकिन अब तो पैसा हो ना हमारे पास, तेरी बुकरियां खरीदवा दूंगा। भाई साहब, भाई साहब पता नहीं कहां मर गए। भाई साहब कोई है घर पे? अरे कौन है? पिनपिनाई जा रहा है, कहा हुआ? अरे बहन जी वो नितिन मृदुल का घर यही है क्या? नितिन मृदुल का तो ना है यू घर, यू घर तो मेरा है, वे तो यहाँ घर की बस निकम्मी औलाद है और तू भी उनसे ही मिलने आया होगा, है ना? अरे बहन जी वो दोनों घर पे है क्या? ना घर ना है वे। बहन जी उनके माता या पिताजी से बात हो सकती है क्या? अरे मैं ही हूँ पागलन की मम्मी, तुम बताओ तुम कौन हो? नमस्ते बहन जी, मैं उन दोनों के स्कूल का टीचर हूँ। अरे मास्टर जी नमस्ते, गलती होगी मैं पहचान ना पाई तुम्हें, वो ही आ रही हूँ रुको। बताओ मास्टर जी कहाँ बात है? अरे बहन जी वो दोनों मेरे घर आए थे और 10th क्लास के मैथ का पेपर लेके भाग गए। तो सर जी तुमने उन्हें पेपर दिए क्यों है? मैंने नहीं दिए पेपर, वो मेरे पीछे से घर आए और मेरी बीबी को उल्लू बना के पेपर लेके भाग गए वो। मास्टर जी ये बालक तो इतने बिगड़ गए ना, मैं तुम्हें कहां बताऊं? वैसे मेरे बालक तो पागल हैं, तो
तुम्हारी लुगाई भी पागल दिखे। अरे बहन जी, जितनी जल्दी उसके बता दो वो दोनों कहाँ है। अगर टेंथ का पेपर लीक हो गया ना तो मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, और अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो अपनी बीवी के साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। मास्टर जी, वे घर तो आए ना है, पर तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारी गिल, मैं उन्हें ढूंढवा दूंगी। हाँ जी भाई जी, जल्दी आ जाइए आपस। एक मिनट रुको। चलो मास्टर जी। प्रिंट तो हो गए, देखियो बड़े प्रिंट आ रहा। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, और दे। हाँ भाई चल स्टार्ट कर मस्तानी, बोल दे सब। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से, सब लोग अपने अपने 200 रुपया बाहर निकाल के रखो अपने हाथन में, और कोई जा नहीं क्या, हम पे 150 180 रुपया है, रुपया चाहिए पूरे 200, तभी पेपर मिले है। और भैया तुम सब सही से लाइन में लगवा देना है। अभी रुक जा, ए कल्लू इधर उधर बकरा, ढंग से खड़ा हो जाएगा। अच्छा एक बात सुन लो सारे सारे, पेपर तो दे रहे हो तुम्हें, पर किसी यू बताना चल जानी चाहिए कि ये पेपर आए कौन से है। अगर यह पेपर में कामयाब हो गए तो तुम्हें हिंदी और इंग्लिश में पास करवा देंगे मात्र 100 रुपया में। इरे फटाफट पेपर बांट दे, कोई भंडारा ना चल रहा, कोई आगे तो आफत हो जाएगी, जल्दी बांट, जल्दी पैसा ले। हाँ भाई एक काम करो, फटाफट फटाफट आगे आओ, मस्तानी पैसा दो, मौसू पेपर लो, ठीक है, और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आगे आओ। चलो लो भैया पैसे। पैसा क्या मस्तानी? दो भैया पूरे हैं। पूरे ले भाई, जल्दी निकल। पूरे 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 ले भाई, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चल अब कल्लू, किसी को बता मत दीजो, समझ गए? पास नहीं भाई तो। अरे हो जाएगा, ना होगा तो भैंस ले लीजिए, दो निकल। 100 रुपए ले लो बस। दिखाऊं 100 रुपए भी? तो बता कितनी मेहनत से आए पेपर, दो गुद्दी पे लगेंगे, चलेगा? अरे बहन जी वो देखो तुम्हारी निकम्मी औलाद हो रही। मास्टर जी तुम यही रखो, इन्हें तो मैं देख लूंगी। लगा का कैसे कहिए मत ना भाई ना मेरा। आजा कर, अरे जल्दी कर यार फटाफट, ऐसा कर मस्तानी, आगे बढ़ जाओ। जाओ जल्दी, एक पेपर मो भी दीजो। अरे जो है लाइन में है यार, तेरी लाइन तो पहले को। ए आंटी। और हाँ तुम दोनों हराम गोली कपो, मेरी नौकरी खतरे में डलवा दी, हाय मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। राम राम जी। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चाचा ताऊ फूफा सूफा सबके द्वारा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें, 15 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत करीब है, 200 रुपए मिलेगा आपको पास होने का मौका, और अगर पास हो जाओ तो राम राम कर लीजिए हमसे, बाकी तो कोई। और दोस्तों उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मिलकर बहुत सारी बात होगी, नए नए अपडेट मिलेंगे, बाकी मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, राम राम।